नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो आपका है वो डोमिनेटिंग हैंड है, तो इसके प्रेडिक्शन ज़्यादा फॉलो होंगे और राइट हैंड में जाकर के आपका लक लाइन का जजमेंट लिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये डोमिनेटिंग नेचर क्रिएट करने लगता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट रिजल्ट देखना, ये नेचर में आता है। इसलिए कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देते हैं या फिर डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। इससे टेम्पररी बेस्ड मुनाफा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस कोई फ़ायदा अमूमन नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप कोई भी योजना बनाए या फिर निर्णय लें, अगर दूरदर्शिता या एनालिसिस करके काम करेंगे तो परफेक्शन आपके काम में आएगा। और शॉर्ट फिंगर की एक अच्छी बात यह रहती है कि जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। आप जैसे जातक किसी के मोहताज नहीं होते या किसी पर डिपेंडेंट होना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इंस्टेंट वर्क कैपेसिटी इसीलिए यहाँ पर यह देता है, तो ये एनर्जी अच्छी है। और आज के टाइम में जितने भी जातक जिनका फिंगर शॉर्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, नहीं तो बहुत बड़े लीडर हैं। और इसके कारण, इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते, लेकिन किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते। तो इसीलिए करियर भी या प्रोफेशन भी ऐसा ही चूज करना चाहिए जो डायरेक्टली हाई पोस्ट अथॉरिटी पर लेकर के जाए या इंडिपेंडेंटली कोई वर्क प्रेफर कर सके, तो उससे जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहती है अच्छी। लिटिल फिंगर के लिए ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। लिटिल फिंगर हमारे पंचुअलिटी मैनेजमेंट को दर्शाता है, तो इसीलिए परफेक्शन आपके काम में देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का ये कारक है, तो खुद के मेहनत पराक्रम की बदौलत ही जीवन में सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कभी किसी पर आश्रित ना हो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला उससे। और ये क्रिएटिव सेंस देता है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना आपको पसंद रहेगा। एक काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तो बोर बड़ी जल्दी हो जाएंगे, इसलिए थोड़े चैलेंजेस लाइफ में एडॉप्ट करते रहना या बड़े रिस्क लेने से आपकी लाइफ थोड़ी एंटरटेनिंग भी होगी और आपको खुद भी मज़ा आएगा और लाइफ में ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो ये अध्यात्म में रुचि देगा, और सैटर्न थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये आपको जो है मेहनत ज़्यादा लाइफ में करने के लिए प्रेरित भी करेगा और थोड़ा न्यायप्रिय किस्म का नेचर भी देगा। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप कुल मिलाकर के क्लियर कट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना अथवा सुनना विचारना आपको यहाँ पर ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन हो, तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है। खर्चों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जहाँ कुछ चंद रुपयों से बात बन सकती है, आराम से आपकी हथेली से ज़्यादा पैसा जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपको ज़्यादा ठीक रहे, ये नहीं सजेशन इसमें दिया जाता कि आप पैसा मत रखिए। सजेशन ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट करिए फिर खर्च करिए, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज आपका कुल मिलाकर के सशक्त है, लंबाई में अच्छा यहाँ पर आपका थंब है, इस पाम पिक में देखने को मिलेगा। और इसमें जो सेकंड फेलेंज है उसकी लेंथ अच्छी है, तो इस कंडीशन में ये लॉजिकल पावर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना पसंद करेंगे। और यहाँ पर यव का जो चिन्ह है वो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है, तो इस कंडीशन में अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेट करें, पूजा पाठ करें या दान धर्म करें, तो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस और पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य उत्पन्न होने लगते हैं। मुंह से ऐसी बातें निकलती जो सच में बैठने लग जाए। जहाँ थम का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में रहेगा, समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर इजिली चेंजेस अडॉप्ट कर पाएंगे। बातों को बहुत लंबे समय तक लेकर के बैठे रखना ये आपके नेचर में नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार रात गई बात गई मूव ऑन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते। पाम आपका फैला हुआ ज़्यादा है, हार्डवर्क तो आपसे बहुत अच्छा हो जाता है।
एक समय पर एक से ज्यादा काम भी आप हैंडल कर लेंगे, शारीरिक मेहनत के साथ मानसिक मेहनत भी अच्छे से कर पाएंगे, और आपका जो नीचे का एरिया वो ज्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज्यादा होता है, अपर जोन वीक है, आप बिना थिंकिंग किए हुए एक्शन बहुत ज्यादा लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये चीज नहीं करना है, अगर ये चीज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सक्सेस के बजाय छोटे मोटे सक्सेस से ही काम चलाना पड़ सकता है। इसीलिए अगर एक प्रकार से प्रो कॉन्स एनालिसिस कर काम करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। नीचे का एरिया इंस्पिरेशन मोटिवेशन इसलिए देगा क्योंकि आपके अंदर सीखने समझने या लाइफ में एक्सेप्ट करने की जो सक्षमता है बहुत इंक्रीज ये कर देता है। लेकिन जब ऊपर का क्षेत्र इतना ज्यादा डेवलप ना हो तो कई मर्तबा सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं, तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी गुरु के क्षेत्र पर आए तो गुरु का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है, तो ज्ञान के विषय में तो कमी नहीं रहेगी। सांसारिक या पारिवारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, इसलिए मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। पार्टनर आपके डेडिकेटेड और धार्मिक रहेंगे क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा आपको भी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा देगा। इसे ईश्वरीय कृपा कहते हैं, गुरु वलय कहते हैं इसे। तो इस कंडीशन में कई मरतबा आकस्मिक घटना दुर्घटना से बच जाते हैं, और जितना धार्मिक रहते हैं उतना पीस या हैप्पीनेस या लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाता है। अब आप जैसे जातकों को तो रिस्क पे रिस्क लेते ही रहना चाहिए। रीजन ये होता है कि जब ईश्वरीय कृपा है तो ईश्वर तो खुद ही चाह रहे हैं आप बहुत बड़ा काम करिए, और जहाँ आपने छोटी मोटी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया या फिर छोटी मोटी चीज़ों में ही सेटल होने लग गए तो वो ट्रिमेंडस ग्रोथ नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप बने हुए। आप समाज आप जैसे जातक पहले ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे, और वो इसलिए करते थे ताकि समाज को प्रकृति को कुछ दे सके, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाते थे। आज के टाइम में ब्रह्मचर्य कर पाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो रखा है, लेकिन इस कंडीशन में ये है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो जाते हैं अभी भी, और यूनिवर्स को देने के लिए तत्पर रहते हैं, तो खुद सक्षम बनना इतना पड़ेगा ताकि आप यूनिवर्स को दें तो आपकी झोली खुद कम ना हो। इसीलिए बहुत रिस्क लीजिए बड़े बड़े, और बहुत अच्छी ये लाइफ में ग्रोथ देता है जब नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो या फिर घर के बाहर निकलें। धार्मिकता के अंतर्गत तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्यमय विद्याओं के प्रति ये रुचि को बढ़ाएगा और थोड़ा वैरागी भावना भी दे देगा, तो भीड़ से अलग रहना एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना ये आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट थोड़ा दब रहा है आपका। सैटर्न माउंट जब भी दबता है तो काम इजीली नहीं होता है, यानी थोड़ा परिश्रम थोड़ा जूझने या इधर उधर भाग दौड़ी करने के बाद काम बनता है, लेकिन बनता जरूर है। यहाँ पर जो है आपको एक प्रकार से सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना पड़ सकता है, अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि इससे आपके काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, अदरवाइज लेट लतीफी वाला काम देखने को मिल सकता है। आपकी लक लाइन शुरू हो रही है मून के एरिया से, मदर से कनेक्शन पहले अच्छा रहता है, देन आफ्टर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आते हैं या फिर कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है मैरिज के बाद में, और जो भी ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूर मिलता है, अपने कंफर्ट से निकलना जरूरी रहता है। इसीलिए जन्म स्थान से दूर जा करके काम करना रसना बसना या अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ही लाभ देता है। आप कुछ से सिर्फ कुछ महीनों के लिए अध्ययन करने भी बाहर जाइए या कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन का सबसे सही क्षण वही है, सबसे सही समय वही निकल के आ रहा है। रीज़न इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाता है अथवा लक को इन्हेंस करता है। जब पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगता है, बाहरी दुनिया अननोन पर्सन का जब प्यार दुलार मिलने लगता है, तब लगता है कि नहीं जीवन में बहुत कुछ करना भी बाकी है। तो ये लक लाइन आपके जो है फ्लुएंट वे में चल भी रही है, तो इसलिए कहीं से कहीं तक कमी नहीं आने वाला है, बट ये सैटर्न तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आपको जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करेंगे आपके अनदर लाइन्स की, तो ये जितनी भी रेखा है ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है, तो ये आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो देगी अच्छा खासा विकास करने के लिए, बट यस आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स अपने लाइफ में लगाना रहेगा तब जाकर के आपको प्रॉपर रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन लाइफ में देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊपर जब आड़ी रेखाएं रहें लेकिन वो किसी को काटे नहीं तो ये बहुत एक प्रकार से विचित्र योग बन जाता है, क्योंकि ये रेखा आती है नकारात्मक प्रभाव देने के लिए लेकिन सही प्रभाव देने लगती है। जैसे एग्जाम्पल, जब जब आपके जीवन में आपको ठोकर मिलेगी किसी भी तरह की, धोखा हुआ या किसी भी प्रकार का, एक प्रकार से आपके साथ जस्टिस जब नहीं होगा उसके जस्ट बाद में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला रहेगा। पिता से वैचारिक अनबन मतभेद थोड़ा बहुत चलते रहेगा लेकिन इंटरनल बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। कई मर्तबा बहुत मेहनत करेंगे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा लेकिन वैल्यू या सेटिस्फेक्शन आगे चल करके मिल जाएगा, तो ये इस बात का प्रमाण है कि लाइफ में ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, और सूर्य के ऊपर बहुत विपरीत राजयोग देखने को मिलते हैं लोगों के हाथ में।
क्योंकि सूर्य व्यक्ति को, सूर्य ग्रह है ही क्रूर, वो व्यक्ति को आसानी से नहीं सिखाते, वो तकलीफ दे करके, थोड़ा उतार चढ़ाव दे करके ही व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ लाते हैं। तो इस कंडीशन में जब भी कुछ स्ट्रगल या स्ट्रेस आए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और ये सूर्य रेखा पर रेखाएं थोड़ी हल्की हल्की सी विभाजित हो रही हैं, इतनी रेखाएं होना ठीक नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ही हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के योगों को निर्मित करने लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी आपको रखना जरूरी है, आपके लक लाइन में भी ये इसकी ही जरूरत है, सूर्य पर भी इसी की जरूरत है, ताकि नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिल सके। अच्छा, मरकरी की स्थिति फिलहाल सामान्य है, हल्की हल्की सी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, तो आगे से लेकर के दूसरों से बात करिए या अपनी बातों में मिठास लेकर के आइए, कन्वेंस करने की कोशिश करिए। इंटेलिजेंसी बिल्ड होने के साथ साथ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव आपका होने लगेगा। मरकरी क्षेत्र वैसे अच्छा ले रहा है तो बातचीत का ढंग ये इंप्रूव करता ही है। वैसे हृदय रेखा में जब नीचे की तरफ रेखा है तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले देखने को मिलते हैं और माता पिता के भी अच्छे सेवक होते हैं। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो तो सीधे के सीधे यहाँ पर निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, तो ये इमोशनल नेचर देता है। आप जैसे जब तक दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत भावुक किस्म के रहते हैं, आपके लिए अगर कोई थोड़ा बहुत भी कुछ कर दे तो डबल ट्रिबल आप उनके लिए करेंगे, और बहुत दिल से दुआ निकलती है आप जैसे जाते हो, मतलब सबके लिए भला चाहते हैं, कभी भी किसी के लिए नकारात्मक ना सोचे ना बोलें। इससे भी जीवन में आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें आप किसी से ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे जातक इमोशनली बहुत जल्दी अटैच होते हैं तो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होता है, या फिर एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। जब सामने वाला व्यक्ति एक्सपेक्टेशन पर खड़ा ना उतरे तो भी ऐसी रेखाएँ नीचे की तरफ आती हैं, जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो आसानी से कहीं ना कहीं धोखा मिलना या मिसगाइड मिसयूज होना, इमोशनल हर्ट होना, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और पैसा संबंधी व्यवहार भी नहीं रखें, क्योंकि खुद का ही पैसा दिया हुआ वापस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी तो कोई हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ दिक्कत आपके नहीं है ऐसे। और माइंड लाइन के विषय में बात करेंगे तो माइंड लाइन का उद्गम गुरु से और मंगल से, दोनों से हुआ है। गुरु ज्ञान देगा, मंगल एग्रेशन देगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेकर चलेंगे। अगर आप जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये चीज़ें लेके चले तो मंगल जीवन में हमेशा युद्ध जैसा ही माहौल क्रिएट करके रहेगा, बार बार जीवन में जो है चैलेंजेस देते रहेगा। गुरु ज्ञान है, शांति है, प्रेम है और पूर्णतः अभ्यास है। अगर इन सारी चीज़ों में रहते हैं तो गुरु आपको दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तरक्की देता रहेगा, ज्ञान बढ़ाते रहेगा और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि देता रहेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेकर के लंबा चलते हैं। बाकी आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ पर सीधे के सीधे चल रही है, तो सीखने समझने की सक्षमता ठीक रहेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, टू द पॉइंट बातचीत करने का ढंग यह देता है। लाइफ में तमाम तरह के रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाते हैं, या जितना भी रिसोर्सेज है उसी में बहुत अच्छे से काम चला लेते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग ये पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। अगर चाहें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ या सक्सेस मिलने के चांसेज ये इंप्रूव कर देता है। लाइफ लाइन के ऊपर आपका एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पर, और दो आइलैंड और हैं। इनकी उम्र काउंट करेंगे बहुत छोटी है, उम्र 10 से लेकर के तकरीबन 17 का पीरियड ही दिख रहा है, 16-17 का। इस समय पर आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा था, खासकर 12 से लेकर के 14-15 की उम्र तक। इसके बाद जाकर के लाइफ लाइन में सुधार आता दिख रहा है उम्र 19 और 20 से, जिसमें ये सहयोगी रेखा उत्पन्न हो रही है, और इसके बाद से बाहरी दुनिया, लोगों का या अपनों का या स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलने लग रहा है, जिससे स्ट्रेस और इस खत्म हो रहा है। और अब जो है यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं लाइफ लाइन में, जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व लग्जरीज बढ़ती है, जो 24 तक दिख रहा है, और 24 के बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन निकला, यानी सेल्फ मेड लक लाइन, खुद के मेहनत पराक्रम से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा 24 के एज में। और फिर यहाँ पर आपकी डबल जो है लाइन चल रही है, जो हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, सपोर्टिव लाइन है जिसका काम ही है प्रोटेक्ट करना, तो कोई भी मेजर इशू नहीं रहने वाला है। प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस जो निकल रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी काम में आप एफर्ट डालेंगे 24 के एज से, सब में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेहनत पराक्रम से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, एक्सटर्नल सपोर्ट, यूनिवर्सल सपोर्ट आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी भी हल्की हल्की रेखाएं हैं ये सब जल्दबाजी, हड़बड़ी से लिए गए निर्णय से होने वाले मेंटल टेंशन, प्रेशर को दर्शा रही है। जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा, ये ओवर थिंक या फैमिली लाइफ इशू के द्वारा थोड़े टेंशन को दर्शा रही है। बाकी इंटरनल मार्स वैसे डेवलप ठीक है और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं, और जब भी कोई फोकस या टारगेट या गोल
अच्छा सेट करते तो उसको अचीव कर पाते, क्योंकि मंगल किसी भी क्षेत्र में विजय पाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहता है। इसीलिए जैसे ही आपने अपने लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन या प्रिंसिपल बनाना शुरू कर दिया, ड्रास्टिक चेंज इमीडिएट आना शुरू हो जाएगा, यानी आपके काम फ्लुएंट वे में बनने लगेंगे। यहाँ पर लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगा, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे आप, और इस कंडीशन में फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ही तत्पर रहते हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, यानी सुख उनको निश्चित रूप से आप दे पाएंगे। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जो कि लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी सब व्यतीत होगी और मेरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि देखिए सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रांग है, जुपिटर और वीनस दोनों स्ट्रांग हैं, पार्टनर भी आपके इमोशनल, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल और सुंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुक्र बहुत सेटल है आपका, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें, और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़ा, झंझट, भेजबाजी जैसी चीज़ों से दूर भी रहते हैं। किसी ने कहा 2 - 5 = 10, आप बोलेंगे ठीक है, करेक्ट है, लेकिन बेजबरन के तकलीफ़ों में या वायलेंस में नहीं आएंगे। यहाँ पर केतु पर बायफोर का साइन है, ट्रैवलिंग तो अच्छी होगी, मून तो डेवलप्ड अच्छा है, तो लाइफ में इंटरनल पीस आपको मिलेगा, जितना हो सके मदर की भी सेवा करते रहें, ऑटोमेटिकली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ते रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो लक अभी अच्छा है आपका, और अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, तो अभी फ्यूचर में तो बहुत आपका ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। ये मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होना शुरू हो गई है, ये जैसी और डेवलप्ड होता है तो पैसा बनने लगेगा और टिकने भी लगेगा, अभी ये ओपन है इसलिए पैसा रुक नहीं पाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके लेफ्ट हैंड के रिगार्डिंग। राइट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पर भी ओवरलैप करके रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दब रहा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होने के योग बनते हैं, लेकिन लक लाइन की अवेलेबिलिटी कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आती जा रही है, और यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है, तो बहुत गोल्डन पीरियड आ रहा है 24 से कंटिन्यूस आपका ये गोल्डन पीरियड रहेगा। तो इसीलिए जितना इसका अच्छे से उपयोग करेंगे उतना लक लाइन में या फिर लाइन्स में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, और जहाँ चूक गए या फिर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो थोड़ा बहुत अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें क्रिएट होने लग जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस रहेगा, और आपका मैरिज का जो चांसेस भी है वो 27 और 8 के एज में ही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।